सब्सक्राइब कीजिए डिकीटेक हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आप अगर एक यूट्यूबर हो या फिर दोस्तों यूट्यूब पे करियर स्टार्ट करने जा रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दोस्तों आप यूट्यूब पर सेफ रह सकते हो और आगे जाके आपको क्विट करना नहीं पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है टेक्निकल सागर चैनल जो आप क्विट करने जा रहे हैं या फिर दोस्तों गौरव जॉन, दोस्तों ऐसे बड़े बड़े चैनल आप अपने चैनल को छोड़ रहे हैं और इसका कारण क्या है और आपको ऐसा ना करना पड़े, तो ये बातें दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है दीपक और डिकीटेक हिंदी की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यूट्यूब पे हम सभी लोग आते हैं और वीडियो बनाते हैं दोस्तों और चाहते हैं कि हम यहाँ पे फेमस हो जाएं और बहुत ज़्यादा अर्निंग कर पाएं। लेकिन दोस्तों ऐसे में हम कुछ ऐसे चीज़ें कर देते हैं जिनके कारण दोस्तों हमारा जो यूट्यूब करियर है वो ख़त्म हो जाता है। दोस्तों उन्हीं कारणों से यहाँ पे टेक्निकल सागर जो है वो उसमें उलझ चुके हैं पूरी तरीके से। हुआ क्या था दोस्तों कि यूट्यूब पर जो हैकिंग से रिलेटेड वीडियो हैं उनकी, उन पर कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक आ चुकी है और दो स्ट्राइक आ चुकी हैं उनके चैनलों पे, और जैसे ही तीसरी स्ट्राइक आएगी तो उनका चैनल जो है यूट्यूब से डिलीट हो जाएगा। दोस्तों यही कारण है जो टेक्निकल सागर अब अपने चैनल्स पे क्विट करने का ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने कह दिया है खुल के कि मैं अब जो है सागर की बानी और फिर टेक्निकल सागर जो उनके दो चैनल हैं दोनों चैनलों पर वो क्विट कर चुके हैं। और दोस्तों वो कभी भी आज कल परसों कभी भी उनका चैनल जो है डिलीट हो सकता है यूट्यूब से, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे अगर आप हैकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं हैकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं या कोई वीडियो बनाते हैं, तो दोस्तों आपका करियर वहाँ पर खतरे में है। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे छोटे यूट्यूबर को देखा है, वो हैकिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन के बारे में बताते रहते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में बताते रहते हैं किस तरीके से फेसबुक इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सअप हैक करें ये वो सो, तो ऐसी वीडियो वहाँ पे बनती हैं और फिर जो है उन्हें अपना चैनल खोना पड़ता है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे चैनल हैं हमारे साथ के भी जिन्होंने कुछ ऐसी वीडियो बनाई थी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ख़िलाफ़ है नहीं है, लेकिन उन्होंने वीडियो बनाई और फिर उनका चैनल जो है यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। दोस्तों मैं आपको यही समझाने वाला हूँ इस वीडियो में कि दोस्तों आप अगर YouTube पे करियर बनाना चाहते हो तो कभी भी दोस्तों हैकिंग से रिलेटेड वीडियो मत बनाना जिससे किसी की भी प्राइवेसी को खतरा हो। ऐसी वीडियो अगर आप बनाते हो और उसका टाइटल थंबनेल या फिर टैक्स वगैरह आप डालते हो तो दोस्तों आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, यहाँ पर आपका यूट्यूब करियर भी ख़त्म हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि हैकिंग से रिलेटेड कभी भी वीडियो ना बनाएं। दोस्तों ये तो था फर्स्ट पॉइंट कि आप हैकिंग पे वीडियो बनाते हो और यहाँ पे दोस्तों आपको आपके चैनल को सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक पहलू और है इसका, अगर आप दोस्तों कोई वीडियो लेते हो कहीं से और वहाँ पर आपका आता है कॉपीराइट स्ट्राइक, मतलब आपने किसी और का कोई भी म्यूज़िक या फिर वीडियो यूज़ की है वहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक आता है आपका, तो वहाँ पे दोस्तों आप जो है बच सकते हो थोड़ा और वहाँ पे चांसेस आपको मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको वार्निंग मिल जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ पकड़े जाते हो और वहाँ पे आपको स्ट्राइक आती है तो दोस्तों वहाँ पे जो है आपको कोई वार्निंग नहीं मिलेगी और सीधे आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है। दोस्तों कई बार क्या होता है हम लोग वीडियो बना देते हैं किसी भी एप्लीकेशन के बारे में किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में, लेकिन हम सोचते नहीं हैं कि ये सॉफ्टवेयर किस पर्पज़ से है, ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ तो नहीं है। क्योंकि कुछ लोग जो है वीडियो बनाते हैं यूट्यूब की वीडियो किस तरीके से डाउनलोड करें तो वो सीधे टक्कर लेते हैं यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब कभी भी नहीं चाहेगा कि उनकी वीडियो को कोई डाउनलोड करके देखे क्योंकि उनका बिजनेस चलता है एड्स पे। तो इसलिए दोस्तों आप कभी भी ऐसी एप्लीकेशन ऐसी किसी भी सॉफ्टवेयर के रिव्यू ना करें जो दोस्तों YouTube से वीडियो डाउनलोड करने के लिए का है, या दोस्तों अगर आप उसका रिव्यू भी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये ना बताएं कि आप YouTube से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं या YouTube को
एड्स जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसी वीडियो अगर आप बनाओगे तो वहाँ पे दोस्तों आप जो है खतरे में पड़ सकते हो, आपको अपने चैनल खोना पड़ सकता है। दोस्तों ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है अगर आप यूट्यूब पे कैरियर बना रहे हो। और दोस्तों अगर आपने हैकिंग से रिलेटेड वीडियो बना दी हैं और अब आप चाहते हो कि हम कैसे उससे बच सकें, क्योंकि दोस्तों अगर आप डिलीट भी कर दोगे उन वीडियो को उसके बावजूद भी आपको स्ट्राइक आ सकती है। आपको हैरानी हो रही होगी लेकिन दोस्तों ये सच बात है, हमने YouTube में बात की है और उन्होंने बताया है कि अगर आप कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है और आपने उस वीडियो को डिलीट कर दिया है तो भी दोस्तों आप जो है वहाँ पे फंस सकते हो, यानी आपका चैनल फिर भी खतरे में है। लेकिन दोस्तों मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से अगर आपने हैकिंग से रिलेटेड या कोई भी ऐसी वीडियो बना रखी है जिसमें आप कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ जा रहे हो और वहाँ पे आपको आपके चैनल को खतरा है तो दोस्तों आप कैसे बच सकते हो, उसके लिए दोस्तों आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे और आपके पास उस वीडियो पे कभी भी कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक नहीं आएगी। तो अगर आपके चैनल पे ऐसी वीडियो है तो अभी उसे सेफ रखिए, आप उसे प्राइवेट कर दीजिए और मैं आपको जब बताऊँगा तो उसके बाद आपको उसमें कुछ काम करना होगा, उसके बाद जो है आप जो है बिल्कुल सेफ हो जाओगे। तो दोस्तों अगली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी अगर आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ कुछ भी काम किया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिएगा ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।